नमस्कार। पहले मुद्दे हफ्तों चलते थे, फिर ये हुआ कि टीवी चैनलों को रोज रात को बहस के लिए कुछ चाहिए तो रोज मुद्दे आने लगे। अब घंटे घंटे पर मुद्दे बदल जाते हैं। सनातन पे बहस हो रही थी, अब अचानक आज सुबह एक इनविटेशन लेटर आया G20 का। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने, फिर कुछ विपक्ष के नेताओं ने वो तस्वीर लगाई उसकी, और उस पर लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। नॉर्मली ये होता है कि जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखते हैं, जब हिंदी में लिखते हैं तो भारत के राष्ट्रपति लिखते हैं। अगर किसी को लग रहा है नाम बदला जा रहा है, तो नाम कोई भारत से बदल के इंडिया नहीं किया जा रहा है। इंडिया दैट इज भारत था, यानी कि इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश के नाम हैं, लेकिन इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है इंडिया गठबंधन के बनने के तुरंत बाद से ही। उधर मध्य प्रदेश में भगदड़ मची हुई है। कभी कोई विधायक भाजपा से जा रहा है कांग्रेस में, कभी कोई पूर्व विधायक जा रहा है। हालत ये है कि कांग्रेस के लोग अब सोचने लगे हैं कि ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारी पार्टी में, फिर हमारा क्या होगा। साथ में एक बहुत मजेदार शख्सियत हैं, उमा भारती जी। उमा भारती जी सबसे पुरानी साध्वी हैं, जो इधर साध्वियाँ लगातार आई हैं प्रकाश में। उनमें सबसे पहला नाम जिनका आया था उमा भारती का था, और दिग्विजय सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ पूरा अभियान चलाया था, और अभियान चलाने के बाद उमा भारती जी ही बनी थी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री। आश्चर्यजनक था कि बहुत जल्दी उनको गद्दी छोड़नी पड़ी, और गद्दी क्या छोड़नी पड़ी, उसके बाद धीरे 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 वो पहले देश की राजनीति से और अब मध्य प्रदेश की राजनीति से भी किनारे हो गई। और अभी जब एक यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की बात हुई, तो उमा जी को पूछा भी नहीं गया, जिसके दुख का ट्वीट आ चुका है। तो मध्य प्रदेश में उमा जी का खेल क्या चल रहा है, ये सारी बातें समझने के लिए राकेश पाठक जी से, डॉक्टर राकेश पाठक जी से बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता था। तो आज गपशप विद डॉक्टर राकेश पाठक में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया। राकेश भाई, तो भारत दैट इज इंडिया की जगह अब हम कहेंगे भारत दैट इज भारत। अशोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल को एक विपक्षी गठबंधन के एक शॉर्ट फॉर्म से वो कोई नाम, सीधे इंडिया का नाम तो रख नहीं लिया उन लोगों ने। और मजेदार बात यह है कि दोनों चीजों से बीजेपी और नरेंद्र मोदी उलझ रहे हैं। एक तरफ ये साबित करना चाहते हैं कि ये इंडिया नहीं है, बीच में डॉट लगा हुआ है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक दिन एक बयान देखा मैंने, दो तीन दिन पहले उन्होंने अखबार वालों से और चैनल वालों से बात करते हुए बाकायदा इस तरह समझाया कि वो इंडिया नहीं है, .in. ऐसे करके उन्होंने सारे शब्दों के बीच का डॉट गिना दिया। एक और मजेदार बात, एक बहुत बड़ा अखबार समूह है जो कि सत्ताधारी दल का पक्षधर माना जाता है, उस अखबार में पहले पेज पर हेडिंग में इस तरह से लिखा जा रहा है जिसको इंडिया को तोड़कर INDIA, जबकि अखबारों में हेडिंग लगाना तो शॉर्ट फॉर्म ज्यादा बेहतर समझा जाता है। हम लोग तो तलाशते हैं कि कोई ऐसा छोटा शब्द बना लें किसी बड़े शब्द का कि जिससे शीर्षक कैची हो जाए। तो कुल मिलाकर इनकी परेशानी यह है कि विपक्षी गठबंधन बन क्यों गया, ये लोग सब एक साथ क्यों हो गए, और उन्हें मर्म पर चोट करने वाला नाम लग रहा है इंडिया। लेकिन अब जिस तरह से कोशिशें चल रही हैं, और इसको श्रीमुख से मानिएगा, सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अभी परसों एक बयान दिया है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, इसका अभियान चलाना चाहिए कि हमारे देश का नाम भारत के रूप में ही जाना जाए, भारत ही लिया जाए। मैं इसके थोड़े से तकनीकी पहलू पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और द क्रेडिबल हिस्ट्री के दर्शकों का भी। जब बीजेपी ने और उनके पूरे कुनबे ने इस पर रोना कलपना शुरू किया था, असम के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने नाम में से हटाया इंडिया, यद्यपि दूसरे दिन उन्होंने याद दिलाया गया कि असम के बाद इंडिया लिखा है, तो दूसरे दिन उन्होंने वहां से भी इंडिया हटा दिया। ये सब आप कर सकेंगे, लेकिन सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद का जो पहला वाक्य इंडिया दैट इज भारत, जिसका आपने जिक्र किया, उसको आपको बदलना पड़ेगा। वो क्या लिखेंगे, भारत दैट इज भारत। यानी असल में इनका अंतिम लक्ष्य शायद संविधान को ही बदलना, और कई जगह इंडिया लिखा होगा, वो बदलना पड़ेगा। मैं एक बहुत बारीक तकनीकी पक्ष की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, कहां का इंडिया नाम है, ऑल इंडिया रेडियो, एम्स में इंडिया है,
हमारी हमारी तीनों सेनाओं के नाम में इंडिया है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वगैरह वगैरह, उस पर नहीं जा रहा है। एक ऐसी समस्या जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है वो है हमारे देश का कंट्री कोड। अशोक जी, अब हम 1950, 40, 60 के दशक में नहीं रह रहे, अब ये दुनिया ग्लोबल विलेज है और जो कि इंटरनेट से जुड़ी हुई है। आपकी सारी गतिविधियां, मैं और आप इस वक्त जो गपशप कर रहे हैं, ये भी इंटरनेट के जरिए है। हमारे देश का जो कंट्री कोड है .in, अशोक जी उसको कैसे बदलेंगे? भारत सरकार के जितने ऑफिशियल ईमेल आईडी हैं वो सब .nic.in होंगे, education.nic.in, governmentofindia.gov.in। ये कंट्री कोड भारत सरकार चाहे भी तो नहीं बदल सकती, क्योंकि उसको बदलते ही आप पूरी दुनिया से कट जाएंगे। एक तरह से आपका जितना संचार है, हमारा विदेश मंत्रालय पूरी रात जागता है, दिल्ली में जो विदेश मंत्रालय का दफ्तर है पूरी रात वहां काम होता है, सब कुछ मेल पर होता है, ईमेल पर होता है, जूम मीटिंग हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है। ये कंट्री कोड डॉट इन को कैसे बदला जा सकता है? इसको CCTDL कहते, CCTLD कहा जाता है, इंटरनेट कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ये जो लोग अभियान चला रहे हैं, क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि किस कदर अराजकता फैलेगी आप डॉट इन को बदलकर? जिस दिन डॉट भारत करेंगे या BH BHAT कुछ करेंगे, कुछ भी बनाएंगे इंडिया की जगह, तो हम पूरी दुनिया से कितने दिनों तक संपर्क से कट जाएंगे? दिन रात ईमेल होते हैं, ऐसा तो है नहीं। भारत सरकार पूरी दुनिया से, तमाम सारे सरकारी उपक्रम है, सरकारी विभाग है। ये एक ऐसी समस्या है कि अभियान चलाने वाले लोगों को कल्पना भी नहीं है कि सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, हमारा पूरा संचार का पूरा तंत्र ध्वस्त हो जाएगा कि ये कंट्री लेवल को अगर आप चेंज करेंगे तो। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है अंतिम लक्ष्य इनका वही है कि इस बहाने से जो एक हिंदू कोर वोटर है, जिसके दिलो दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इंडिया एक विदेशी शब्द है, अंग्रेजों का थोपा हुआ है, तो उन्होंने ना इतिहास पढ़ा है, ना उनको ये पता है कि इंडिया शब्द कैसे आया, कहां से आया, वो ना इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी कवायद अपनी निरंतर असफलताओं को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए एक हेडलाइन मैनेजमेंट है अशोक जी, मेरी नजर में इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जिस तरह वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव हेडलाइन मैनेजमेंट है, उसी तरह आज जो टॉप ट्रेंड कर रहा है, हो सकता है 15 दिन बाद कोई और मुद्दा लेकर आ जाए, जब होने लगा ये संभव नहीं है। जितनी मैंने तकनीकी समस्या बताई उसका मैं कई लोगों से पूछ चुका हूं, बताइए इसका क्या तोड़ है, कैसे बदल देंगे आप कंट्री कोड अपना? और पूरी दुनिया फिर कैसे जानेगी कि आपका कंट्री कोड बदल गया है? कैसे ईमेल जाएंगे एक दूसरे को? तो अशोक, सारी समस्या हेडलाइन की ही है, वरना अभी बहुत वक्त नहीं बीता है। जब खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, जैसी बातें लगातार आ रही थी। और इसी मोदी सरकार की, अशोक भाई, इसी मोदी सरकार की योजनाएं स्किल इंडिया से लेकर इतनी लंबी फहरिस्त है, तब इनको याद नहीं आया खेलो भारत कर देते? अब क्यों याद आ रहा है? क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का एक एब्रिविएशन, एक शॉर्ट फॉर्म रख लिया, उससे इतना कलप रहे हैं ये लोग। जी अशोक जी, मतलब कुल मिलाजुला के यह है कि विपक्षी दलों के खेल में फंस गए हैं, उलझ गए हैं, निकलते कैसे हैं ये देखा जाना होगा। लेकिन अभी वो खेल सबसे पहले दिखाई देगा मध्य प्रदेश में, हालांकि मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं, कांग्रेस सीधे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला है। मायावती जी भी जा रही है वहां पर इलेक्शन लड़ने, अखिलेश जी ने भी घोषणा की है कि वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन मुकाबला आमतौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा होता है। और उसके बीच में राकेश भाई जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, रघुवंशी जी गए, कोलारस के विधायक हैं, उसके बाद खबर आई पूर्व विधायक गए, सागर के एक थे एक साहब गए कांग्रेस में, कौन से भैया मुझे नाम नहीं याद रहते हैं, आप बताएंगे, जिनका आसपास के इलाकों में बहुत गहरा प्रभाव है बुंदेलखंड में। तो और रोज फोटो आ रही है, आज फिर एक फोटो आई थी कि दिग्विजय सिंह के साथ दो लोगों की फोटो आई थी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग हैं। तो ये हो क्या रहा है? ये कर्नाटक की याद दिला रहा है, कर्नाटक में भी इसी तरह से भगदड़ मचा हुआ था। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का इस वक्त जो चुनावी समर है वो बिल्कुल कर्नाटक की प्रतिध्वनि सुना रहा है। हम लगातार जो कुछ देख रहे हैं लगभग वैसा ही सीन कर्नाटक में था। दल बदल का आपने जिक्र किया कि बीजेपी से भगदड़ मची हुई है, तांता लगा हुआ है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन बीजेपी का एकाध वरिष्ठ नेता या तो पार्टी ना छोड़े या उसका कोई ऐसा बयान ना आ जाए जो बयान ऐसा जो बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने वाला हो।
लंबी सूची है, वर्तमान विधायक में से वीरेंद्र रघुवंशी है, भूतपूर्व विधायकों में से कल एक ने दल बदल किया, महेंद्र बागली जो पन्ना जिले की एक सीट है रहली, वहां से विधायक थे, और भंवर सिंह शेखावत भूतपूर्व विधायक, उनका इस्तीफा हुआ, देवेंद्र रघुवंशी विधायक थे, उनकी पुत्री का अंशु रघुवंशी का इस्तीफा हुआ और कांग्रेस में शामिल हुए, समंदर पटेल 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में शामिल होने आए, ये सिलसिला थम नहीं रहा। अब जो ताजा दो बयान है उनको बहुत, एक तो आज का ताजा बयान है और एक कल परसों का है। उमा भारती अपनी माँ की स्मृति में एक कार्यक्रम में गई थी, एक दुर्गा हनुमान मंदिर है भोपाल में, वहां वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था अशोक भाई, लेकिन वहां उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की, और उनकी पीड़ा का मर्म क्या था, वो ये कह रहे हैं कि ज्योतिराज सिंधिया को बुलाया गया जन आशीर्वाद यात्रा में, मुझे नहीं बुलाया गया, उन्होंने ज्योतिरादित्य अपना, हालांकि राकेश भाई जिस तरह से ज्योतिराज सिंधिया को बुलाया गया और जिस तरह से कोने में वो खड़े थे, जिस तरह से उनको सम्मान मिल रहा था, अगर उमा दीदी को बुला के भी दूसरे कोने में खड़ा कर दिया गया होता तो ज्यादा अपमानजनक होता, ये संभव नहीं था अशोक भाई, इसीलिए तो नहीं बुलाया। ज्योतिराज सिंधिया नए नवेले हैं अभी, इसके बावजूद वे कोने में खड़े, तो लेकिन उमा भारती जिस तरह की मुखर राजनेता है, बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है कि उन्हें बुलाकर उस बड़ी सी माला के बाहर खड़ा नहीं रखा जा सकता था, वे तो बीच में होती, मुख्य धारा में फोटो के बीचों बीच में दाएं बाएं खड़ी दिखाई देती, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले उमा भारती का कद बहुत बड़ा है अशोक भाई, संघ में बहुत बड़ा कद उनका रहा है, बाबरी मस्जिद ध्वंस में भी आरोपी रही है, केंद्र में मंत्री रही है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में प्रवेश में भी नहीं कर रहे कर पाए थे तब अटल जी की सरकार में मंत्री थी, नरेंद्र मोदी की 14 से 15-19 तक की सरकार में मंत्री रही, उनके कद के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद कुछ भी नहीं है, और यही उनकी पीड़ा थी, उनका कहा मुझे प्राणों से, उनका कहना था मुझे प्राणों से प्रिय है मेरा भतीजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेरा भतीजा है, मैं अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हूँ उससे, लेकिन अगर उसकी वजह से ये सरकार बनी है तो मैंने भी एक पूरी सरकार बनाकर दी थी, ये वाक्य उनका कोट अनकोट, और ये सच्चाई है कि 2003 में 10 साल की कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार को धराशायी करने का श्रेय अगर जाता है किसी को तो सचमुच उमा भारती को जाता है। तो उनकी पीड़ा वाजिब है कि अगर आप सरकार बनाने के इनाम में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सम्मान दे रहे हैं, भले ही मंच पर कोने में खड़े थे वे, तो उमा भारती को झूठे मुंह भी न्योता नहीं दिया गया, उन्होंने कहा मुझे बुलाते तो हो सकता मैं नहीं जाती, लेकिन कम से कम एक औपचारिक आमंत्रण तो मिलना चाहिए था। ये बता रहा है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब जो ताजा बयान आया है वो सुमित्रा ताई, सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, 9 बार की सांसद, रिकॉर्ड इंदौर से रिकॉर्ड लगातार सांसद रहने वाली है, पिछली बार उनका टिकट कट गया था और टिकट काटा गया था उम्र की वजह से, जबकि उनसे ज्यादा उम्र वाले तो इस समय बीजेपी में सत्ता में बैठे हुए, शिखर पर बैठे हुए। सुमित्रा ताई का आज बयान आया है कि हमारी पार्टी में वरिष्ठ जनों की उपेक्षा हो रही है और मेरी भी उपेक्षा हो रही है, उन्होंने कहा है। ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, चुनाव की बेला में अंदर जो कुछ चल रहा है वो अगर इतना खुलकर बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये तो बहुत, वो आइसबर्ग का सिरा मात्र है, अंदर कितनी खलबली मची होगी। एक और बयान आपको याद दिलाता हूं, रघुनंदन शर्मा बहुत सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा में रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, यानी हमारी पार्टी ने, उन्होंने कहा बीजेपी ने हमें जीते जी मृतक मान लिया है, मरा हुआ मान लिया है, ये छोटे बयान नहीं है। देखिए ऐसे बयान तो अशोक भाई कांग्रेस में भी नहीं आ रहे हैं चुनाव की बेला में, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है या कांग्रेस में असंतोष नहीं होगा, होगा निश्चित तौर पर होगा, जब सूची आएगी पहली सूची तब आप देखेंगे हमारा, फिर डिस्कस करेंगे, दो चार लोग कांग्रेस छोड़कर भी जाएंगे, लेकिन ऐसे बयान रघुनंदन शर्मा जैसा वरिष्ठतम नेता ये कह रहा है कि पार्टी ने हमें मृतक मान लिया है, मुर्दा मरा हुआ मान लिया है। सुमित्रा महाजन कह रही है जो लोकसभा अध्यक्ष रही है कि हमारी पार्टी में उपेक्षा हो रही है, इसकी वजह को तलाशना पड़ेगा बीजेपी को, और वजह जो हम और आप दूर से देखते हुए जान सकते हैं, वजह है कि सत्ता के कड़ाह में से जो हलवा बन रहा था पिछले 3 सालों से या कुल मिलाकर 18 साल से, उसमें से वंचित वर्ग बहुत बड़ा हो गया, और ताजा इन 3 सालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता जो चाहते थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला, इसलिए असंतोष खड़बड़ा रहा है और ये अभी बढ़ेगा अशोक जी। जी
मध्य प्रदेश से बाहर के लोग शायद ये कम जानते होंगे कि जो वो ज्योतिरादित्य जी को अपना भतीजा कह रही हैं, उसके पीछे की कहानी ये है कि विजया राजे सिंधिया उनके लिए माँ की भूमिका में लगभग रही हैं। वो बचपन में थी तभी उनको लेके आई थी विजया राजे जी। उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा और बाकी सारा कुछ विजया राजे जी की देखरेख में हुआ है, इसलिए सिंधिया परिवार को लेके उमा भारती के मन में एक अलग तरह का सम्मान है जो सब हम लोग जानते हैं। उमा भारती जी को इस तरह से जो किनारे किया गया है उसका क्या कारण है? कुछ तो उनका अपना स्वभाव भी है। आपको याद ही होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वो डांट के निकल आई थी, जब आप बोल रहे थे मंच में उनको किनारे नहीं खड़ा किया जा सकता था। तो मैं सोच रहा था कि अगर ऐसी कोशिश की जाती तो सिंधिया जी तो हाथ हिलाते रहे, वो शायद वहाँ पर फेंक फाँक के चिल्ला विल्ला के चली आई होती, जिस तरह के गुस्सैल हैं हम सब लोग जानते हैं। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि बहुत गुस्से वाली हैं, वो कहीं रिएक्ट कर जाती हैं तुरंत। और क्या वजह हो सकती है कि उमा जी को किनारे किया जा रहा है? क्योंकि लोधों का एक बड़ा वोट है, आपसे मैं क्या बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में लोधों का एक बड़ा वोट है जो प्रभावित करता है चुनाव को, बुंदेलखंड इलाके में तो जबरदस्त प्रभावित करता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो दृश्य, वो तस्वीरें, वो वीडियो आज भी देश को याद होंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी को आंखें दिखाकर, आंखें तरेर कर उमा भारती उस बैठक का बहिष्कार करके आई थी और उसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर जाना पड़ा था। हमारे नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए जानकारी हम देना चाहते हैं कि उमा भारती उसके बाद अपनी पार्टी बनाकर सक्रिय हुई, उन्होंने अपना दल बनाया खुद का बीजेपी छोड़कर, और ये बड़ी बात थी अटल आडवाणी के दौर में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अपना नया दल बनाना। और उसके बाद उन्होंने एक राम रोटी यात्रा अशोक भाई की थी, बुंदेलखंड से लेकर, बुंदेलखंड में काला पहाड़ एक जगह है, वहां से अयोध्या तक। मैं स्वयं उसमें, मैं उस वक्त नई दुनिया में संपादक था, मैं उनके साथ उस पद यात्रा में बतौर रिपोर्टिंग करने की नियत से गया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, गिनती के वोट मिले उनके प्रत्याशियों को, जहां तक मुझे स्मरण है शायद एक या दो या एक भी विधायक उनका नहीं जीता था। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है वो उमा भारती से क्यों डरता है, क्यों उनसे छिटकता है? एक वजह यह है कि जब उमा भारती बीजेपी छोड़ चुकी थी तब उन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी वायरल हो जाती है, जब तक मौके वे मौके पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तब शायद उमा भारती कल्पना नहीं कर सकती होंगी कि वे प्रधानमंत्री बन जाएंगे किसी दिन। बाद में वे जैसे तैसे पार्टी बनी रही और मंत्री बनी। प्रदेश के लोगों का, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो संकट है वो संकट है ओबीसी वोटर्स पर उमा भारती की पकड़। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब लोग जानते हैं कि एक वर्ग विशेष का बहुत बड़ा वोट बैंक उमा भारती से प्रभावित है, उनका उनकी उस पर पकड़ है। लोधी जो समुदाय है जिससे वे आती हैं, वे जानते हैं कि अगर एक बार फिर से उमा भारती को पार्टी में अंगूठा रखने की भी जगह मिल गई तो वे दोनों पैर रखकर खड़ी हो जाएंगी। अगर अंगूठा पकड़ाया तो वे पहुंचा पकड़ लेंगे। ये डर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं और नेतृत्व को है, इसलिए वे लगातार उनको हाशिए पर रखे हुए हैं। उमा भारती की मजबूरी यह है कि अब उनके पास पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में कोई गॉडफादर नहीं है, अब उनको कोई संरक्षण देने वाला नहीं बचा। 2019 में कहना उनका यह है कि वे चुनाव नहीं लड़ी अपनी मर्जी से, लेकिन मैं बतौर पत्रकार ये आकलन करना चाहता हूं कि उनको टिकट नहीं दिए जाने का संकेत भी की ओर से दे दिया गया था, इसलिए वे शांत बैठ गए। अब उन्होंने ये कल ये कह दिया अशोक जी कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगा जिसकी दमों मुझे रोक कर दिखा दे। ये बहुत बड़ा बयान है, ये भी बता रहा है कि अब मोदी शाह के खिलाफ भी अंदर ही अंदर बीजेपी में कुछ ना कुछ पक रहा है, तभी ऐसे बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के। तो मध्य प्रदेश में उन्हें हाशिए पर रखने की एक वजह यह है कि एक विशेष समुदाय से और बड़े समुदाय से भी आती हैं। इन लोगों को ये लगता है कि अगर एक बार उन्हें फिर मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश में बाकी के जो नेता हैं उनकी संभावनाओं पर कहीं ना कहीं उनकी छाया पड़ने लगेगी, इसलिए वे लोग डरे हुए हैं। और उमा भारती अपने हाशिए से उठकर मुख्य पृष्ठ पर आने की के प्रयास में लगातार एक साल से लगी हैं। कभी वे शिवराज सिंह सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ अभियान चलाती हैं, आंदोलन करती हैं, पदयात्रा निकालती हैं, शराब की दुकान पर पत्थर फेंकती हैं, अपनी पार्टी की सरकार के द्वारा दी गई सरकारी शराब की दुकान पर पत्थर फेंकने जाती हैं उमा भारती। इस तरह के बयान उनके बयान आते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है
कि उनकी कोशिश है हाशिए से उठकर मुख्य पृष्ठ पर आ जाना, और मुख्य पृष्ठ पर जो मौजूद लोग हैं वे चाहते हैं कि हाशिए पर बनी रहें। अब देखना होगा कि वे सचमुच में इनमें से कौन सफल हो पाता है। जी अशोक भाई, लेकिन शिवराज जी जो हैं वो पूरी तरह से, शायद जो रेवड़ी वाला पूरा मामला होता है, रेवड़ी कल्चर होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके भरोसे हो गए हैं। अभी रक्षाबंधन पे जिस तरह का बयान आया था, 250 रुपये बहनों को दिया, उसके बाद बयान आया रक्षाबंधन अच्छे से मना कि नहीं मना, जैसे 250 रुपयों में कोई रक्षाबंधन बन जाता है आज के ज़माने में। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश को जितना मैं जानता हूँ इसका असर काफ़ी गहरा होगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, असर तो होगा, हम लोग एकदम खारिज नहीं कर सकते। हम जब भी भोपाल में या भोपाल के बाहर निकलते हैं, मैं तो प्रदेश भर में घूमता हूं अशोक भाई, मुझे नहीं लगता हर एक फरलांग पर, या शायद हो सकता है मैं ये कम बता ज्यादा बता गया हूं, चंद कदमों पर एक ना एक होर्डिंग दिखाई देता है जिसमें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार का जिक्र नहीं होता। हर होर्डिंग में लिखा होता है मामा की वजह से मेरी माँ ने इस बार राखी अच्छे से मनाई, मामा की वजह से मेरे भैया को काम मिल गया, मामा, सिर्फ मामा शब्द और बड़े बड़े होर्डिंग। और कई जगह तो स्थिति यह है भोपाल राजधानी में कि एक चौराहे पर चारों तरफ कम से कम 10 होर्डिंग लगे हैं लोगों के खातों में, किसी और के लिए जगह बची नहीं है। होर्डिंग्स पर तो मुझे लगता है कि चुनाव तक के लिए, नवंबर तक के लिए, जिस तरह बीजेपी की राष्ट्रीय इकाई ने सारे हेलीकॉप्टर सारे चार्टर प्लेन बुक कर लिए हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश में शायद अक्टूबर नवंबर तक के लिए सारे होर्डिंग्स सारे चौराहों पर बुक कर लिए गए होंगे सड़कों पर बीजेपी के द्वारा। फिलहाल तो है ही, और वे आपको हर कदम पर दिखाई देते हैं, लोगों के खातों में पैसे भी पहुंच रहे हैं लाडली बहनाओं के, थोड़ा बहुत उसका असर होगा। लेकिन इसके समानांतर कांग्रेस ने जो काट करने की कोशिश की है, उनका कहना है कि हम अगर सरकार में आ गए तो 1500 रुपए देंगे। मैं इस मौके पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि ये दोनों पार्टियां जिस तरह से खैरात बांटना चाहती हैं, वे ये भूल रही हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर, मध्य प्रदेश की गुल्लक पर 3,20,000 करोड़ का कर्जा है अशोक भाई, 20 से 22 हजार करोड़ रुपए सालाना ब्याज अदा करना पड़ता है इस कर्ज के रहते हुए। ये योजनाएं कैसे क्रियान्वित होंगी, कैसे चलती रहेंगी वर्षों तक? मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने लाडली बहना योजना के इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति लिखी। उसका कहना यह था कि अगर ये लागू होगा तो शेष जो विकास की योजनाएं हैं उन्हें ठप करना पड़ेगा, और वे सचमुच में ठप हैं अशोक भाई। इस समय मध्य प्रदेश में सारे काम रुके पड़े हैं, सिर्फ लाडली बहनाओं को ये रेवड़ी बांटने का काम किया जा रहा है। और आखिरी बात, माननीय नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि मैं रेवड़ी कल्चर खत्म करने आया हूं, और उनकी ही सरकार मध्य प्रदेश में रेवड़ियां बांट रही है। चुनाव में कितना असर होगा इसे देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो अंतर है उसे बांटने का काम अभी ये अकेली योजना नहीं कर पाई है, कई और योजनाएं चल रही हैं। फिर भी बीजेपी और शिवराज सिंह के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी जो लहर और रुझान है, वो तो दिख रहा है। भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में, उसको कितना पाट पाएगी ये लाडली बहना की योजना, खातों में आए हुए 250 हजार रुपए या 1200 रुपए, कितना पाट पाएंगे ये देखना पड़ेगा अभी। अगर आपने ही जो बातें की इसमें, उसमें से मैं कुछ टुकड़े उठा लूं, कुछ बिंदु उठा लूं, रोजगार और योजनाओं की और भ्रष्टाचार, तीन चीजों की आपने बात की, तो अभी कुछ दिनों पहले राकेश भाई मुझसे, जो वहाँ पटवारी चयनित हैं, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हमसे हमारी बात भी उठाइए। तो मैंने उनके एक प्रतिनिधि से बात की, और बेहद परेशान वो लड़का लग रहा था क्योंकि अपॉइंटमेंट हो गया, तो उसका ये कहना था कि जहाँ भ्रष्टाचार है उसकी जाँच चलती रहे लेकिन हमारा कम से कम अपॉइंटमेंट हो जाए। और लॉजिक ये है कि व्यापम में यही हुआ था, जाँच चलती रही थी लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं रोका गया था। वही लड़के जब जाकर भोपाल में ये मांग करते हैं तो उनके खिलाफ FIR हो जाती है, पिटाई हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो एक तरफ रोजगार तो दे नहीं पा रहे, आपने बताया योजनाएं सारी की सारी ठप पड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ ये रेवड़ी बांटने का, खातों में पैसा भेजने का एक नया कल्चर आया है। कभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम जब सुनते थे, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं मैं, तो मुझे लगता था कि वो शायद कुछ बहुत पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, लेकिन पूरे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इन लोगों ने डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर बना के रख दिया है, जो निश्चित रूप से ना तो सस्टेनेबल है और ना ही कोई इस बात की एडवाइस करता है। इससे किसी तरह का कोई विकास नहीं होता है, इससे किसी तरह का आगे जाके कोई फायदा नहीं होता है। अगर यही पैसा रोजगार के लिए खर्च किया गया होता, रोजगार सृजन के लिए खर्च किया गया होता, तो जीवन भर काम चलता।
लेकिन मध्य प्रदेश की जनता है कितना समझेगी कितना नहीं समझ पाएगी, जैसा आपने कहा जनता को तो अच्छा लगता है अकाउंट में बैठे बिठाए 2,500 रुपए आ गए और ये एक कल्चर जैसा बनता जा रहा है हमारे यहाँ। लेकिन मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव मुझे याद है राकेश भाई, आदिवासियों का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण था, दलितों के खिलाफ जिस तरह की चीजें हुई थी वो भी महत्वपूर्ण थी, जिस क्षेत्र से आप हैं, बल्कि कहूंगा हम और आप हैं क्योंकि ग्वालियर मैं भी लंबा रहा हूँ, वो पूरे रीजन में उन मामलों ने बहुत सामाजिक के जो मामले थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, जिसमें बीजेपी हारी थी, कांग्रेस को काफी सीटें मिली थी। अब ये अलग बात है कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनको लगता है कि सिंधिया जी का इलाका है, कांग्रेस को सीटें मिली तो सिंधिया जी की वजह से मिली, लेकिन ग्वालियर को जानने वाले जानते हैं कि किस वजह से मिली। उस तरह के मुद्दे हैं क्या इस बार? देखिए मुद्दे तो लगभग वही है, 2018 के चुनाव से पहले भी शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली थी और वे पिछले 4 बार से मुख्यमंत्री हैं, पहली बार के बाद से हर बार चुनाव से पहले जन आशीर्वाद यात्राएं निकालते हैं और चूंकि आचार संहिता नहीं लगी हुई होती है तो पूरा सरकारी अमला लग जाता है। मैं भिंड में उनकी एक यात्रा में शामिल हुआ था पिछले से पिछले चुनाव में, बहुत भीड़ आती है, स्वागत होता है, सब कुछ होता है, महिला बाल विकास विभाग को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, पंचायत सचिवों को भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया जाता है, वो सब इस बार भी हो रहा है। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वे अनुत्तरित हैं। आपने पटवारी चयन परीक्षा का जिक्र किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कल के अखबारों में भोपाल के पहले पेज पर एक ऐसी तस्वीर छपी है अशोक भाई, वो पुलिस वाले का जूता एक युवक के पीछे पृष्ठभाग में लगा हुआ, मतलब पैर से जूता मार रहा है उसको, पैर मार रहा है उसके, तो युवाओं में उसका बहुत आक्रोश है। रोजगार देने का आपने का जिक्र किया, शिवराज सिंह चौहान ने जो वादा किया था, दावा किया था अभी इस साल के शुरुआत में शायद, कि हम चुनाव से पहले 1,00,000 लोगों को रोजगार देंगे और उसके लिए बैकलॉग की भर्तियों को खंगाला गया, जो तो पद खाली है बैकलॉग वाले, सारे विभागों से जानकारी मंगाई गई। मेरी जानकारी के मुताबिक अब चुनाव की बेला आ पहुंची है। मध्य प्रदेश में राष्ट्र निर्वाचन आयोग भारत सरकार की ओर से अधिकारियों का दल आज आया हुआ है अशोक भाई भोपाल। जब निर्वाचन आयोग का दल आ जाता है तो उसका संकेत ये होता है कि वो लौट कर रिपोर्ट देगा और उसके बाद चुनाव कार्यक्रम हो सकता है किसी भी दिन घोषित हो जाए, यानी जब चुनाव की बिल्कुल सब तैयारी हो रही है तब तक मेरी जानकारी के मुताबिक चंद हजार लोगों को रोजगार के नियुक्ति पत्र शिवराज सिंह चौहान दे पाए, तो वो वादा भी पूरा नहीं कर पाए कि 1,00,000 लोगों को रोजगार देंगे। और इतने बड़े प्रदेश में 18 साल से आप राज कर रहे हो, अगर 1,00,000 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए चुनाव से पहले तो उसकी प्रतिक्रिया भी प्रतिकूल ही होगी। एक मुद्दा हमसे छूट रहा था, सावन के महीने में बहनों को 450 रुपए का LPG सिलेंडर देने का वादा किया, यद्यपि उन्होंने जिस दिन वादा किया, सावन का महीना उसके दूसरे दिन खत्म हो रहा था, आखिरी सावन सोमवार था, अब तो भादो लग चुका है, महिलाएं बहनें सिलेंडर लेने पहुंच गई लेकिन उनको सिलेंडर नहीं मिला, क्योंकि एजेंसियों के पास न तो ऐसा कोई आदेश था न कोई उसकी प्रक्रिया तय की गई थी। असल में होता क्या है, हर सरकार पहले घोषणा कर देती है, उसका क्रियान्वयन बाद में सोचती है, फिर अधिकारियों के साथ बैठकर माथा जोड़कर कुछ रास्ता निकाला गया। उसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद शिवराज सिंह ने कहा कि ये 450 रुपए गैस एजेंसियों के खाते में सीधे जमा कर दिए जाएंगे और उसके बाद बहनों को मिल जाएगा। इसमें एक सवाल लोगों ने नहीं पूछा कि आज भी इस देश में LPG कनेक्शन ज्यादातर घर के मुखिया के नाम यानी पुरुषों के नाम है, उसको कैसे आप 450 रुपए में देंगे? जिन महिलाओं के नाम LPG कनेक्शन था उनको 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाना है। तो ज्यादातर लोग तो इस आसमानी सुल्तानी घोषणा का भी लाभ लेने से वंचित रह गए। तो हो क्या रहा है कि एक तरह से हताशा में कुछ भी कर गुजर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि जनता अपने सवालों पर जवाब पूछ रही है और वो जवाब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह के पास है नहीं, और चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ऐसा मुझे अभी तक लग रहा है। तो राकेश भाई इसका मतलब ये कि सारा खेल मैनेजमेंट का ही हो रहा है मध्य प्रदेश में, ठोस कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए आपने मैनेजमेंट का जिक्र किया अशोक भाई, उसमें एक शब्द और जोड़ लीजिए, इलेक्शन मैनेजमेंट। हेडलाइन मैनेजमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। इसका एक बहुत ही निर्मम उदाहरण आपको देता हूं। 3 दिन पहले देश के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर में पूरे देश में पहले पेज पर बैनर खबर छपती है और उसकी हेडलाइन यह है कि देश में पहली बार G20 सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं। ये हेडलाइन मैनेजमेंट उस अखबार से किया जा रहा है
जो देश का सबसे बड़ा अखबार है, नई पीढ़ी को वो ये बता रहा है कि देश में पहली बार इतने सारे हेड ऑफ द नेशन आ रहे हैं। मैंने उस दिन कई लोगों से कहा कि भाई 1983 में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 70 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, कुल तो 98 या 90 प्रतिनिधि थे। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा भाईचारे का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन माना जाता है गुट निरपेक्ष सम्मेलन। उसके बाद कॉमनवेल्थ का अपने सम्मेलन हो चुका, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की कृपा है कि नई पीढ़ी ये जानेगी कि नरेंद्र मोदी के राज में विश्वगुरु होकर भारत ने G20 सम्मेलन का सम्मेलन किया और वो देश का पहला इतना बड़ा सम्मेलन था। ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। एक मैनेजमेंट राजनीतिक पार्टियों को करना है इस चुनाव में, जिसमें ये असंतुष्ट जो है जिनको मनाने का काम पार्टियां कर रही हैं। दूसरा मैनेजमेंट का काम होता है सोशल इंजीनियरिंग का। दिग्विजय सिंह जब लगातार दो बार सत्ता में रहे तो उनको भी कुछ ऐसा एहसास हो गया था कि मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं। उनका बहुत चर्चित एक भाषण है या इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव तो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं और उसके बाद का चुनाव गए हार गए थे। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मतदाता है कोई मशीन नहीं है कि आपने मैनेजमेंट करके उसको कन्फिगरेट कर दिया और वोट हासिल कर लिए। मतदाता तो नेताओं के कामकाज पर, अपनी जिंदगी के मसलों पर वोट देता है। और सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी को इस वक्त जो सामना करना पड़ रही है कि अपने नेताओं को मैनेज करने की, उसमें वो अभी तक असफल रही है और अमित शाह तक नाराज हैं। ऐसी खबरें यहां छप चुकी हैं और बाकायदा पुष्ट खबरें हैं कि बीजेपी से जितना दल बदल हो रहा है उसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत खफा है। यहां से उमा भारती के लिए हमने जहां से बात शुरू करी थी, एक आखिरी बात, उमा भारती जितना भी कर लें, जितनी भी सक्रिय हैं, लेकिन जो सियासी सयाने हैं, राजनीतिक जो जानकार हैं, और मैं भी अक्सर उनके लिए कहता हूं उनके इस राजनीतिक पराभव को लेकर कि जो अरण्यकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो उमा भारती के लिए सत हरि भजन है, वे हरि भजन करें कि ये राजनीतिक जो उनके पुनर्वास का सपना है वो फिलहाल तो सपना जैसा दिखाई दे रहा है। तो मैनेजमेंट हमारे समय का शब्द है। जब हम लोग ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे तो नया नया मैनेजमेंट शब्द आया था, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स, होटल मैनेजमेंट का कोर्स, नया नया था ये सब। हेडलाइन मैनेजमेंट थोड़ा और बात का शब्द है, और ऐसा लगता है कि ऊपर से लेके नीचे तक, दिल्ली से लेके भोपाल तक, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट में लगी हुई है। हेडलाइन मैनेजमेंट का अपना असर भी होता है, बहुत एक माहौल बनता है, सोशल मीडिया पे माहौल बनता है, कई बार परसेप्शन भी होता है, और सोचा ये जाता है, मान के ये चलते हैं कि हेडलाइन से लेकर बूथ मैनेजमेंट, इन दो चीज़ों के साथ चुनाव को जीता जा सकता है। लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं, उस समय पार्टियां भूल जाती हैं कि चुनाव में वोट देने वाले लोग कोई मशीन नहीं होते हैं, जनता होती है जो ये सारी चीजें देख रही होती हैं। एक बार बेवकूफ बनती है, दो बार बेवकूफ बनती है, सदा सर्वदा के लिए कोई भी, दुनिया का कोई तानाशाह, दुनिया का कोई लोकतांत्रिक नेता जनता को बेवकूफ नहीं बना सका है। मध्य प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, उसके पहले इंडिया का जो आज शुरू हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, या ये शोर मच रहा है कि हो सकता है कि जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें ये बात आए कि नाम बदल दिया जाएगा देश का, या वन कंट्री वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सारा कुछ सरसरी तौर पर देखने पर, गंभीरता से देखने पर भी बेसिकली हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश लग रही है। उसके बीच में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, जिस तरह का तमाशा मध्य प्रदेश में चल रहा है, चुनाव इतना तो तय है कि बेहद रोचक होने वाला है। एक तरफ की कोई स्लाइड या बड़ी आसानी से बिना खबरों के, बिना शोर शराबे के कोई रिजल्ट निकल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते रहेंगे, राकेश भाई से हम मध्य प्रदेश की जानकारी और उसके बहाने पूरे देश की जानकारी लेते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया राकेश भाई।